अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं शोर न्यूज़। आपको बता चले कि अपोजिशन के रहनुमाओं की बैठक इस वक्त जारी है इस्लामाबाद में, जिसमें फैसला किया जा रहा है कि असम्बली से इस्तीफे दिए जाएँ ना दिए जाएँ, लॉन्ग मार्च कब किया जाए। जबकि एक फैसला जो कि सब मुतफ़िका तौर पर कर रहे हैं, जिसके बारे में बातगश्त हो रही है, कि सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी सबसे आखिर में इस्तीफ़ा दे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अगर अपोजिशन जमातें किसी भी सूबे में हुकूमत में हैं तो वो सूबा सिंध है, और उसको जो है किसी भी सूरत में ये लोग पीछे नहीं डाल सकते, उस पर समझौता नहीं कर सकते। और बहुत ही मैच्योर फैसला सामने आ रहा है सूबा सिंध के हवाले से। लॉन्ग मार्च पहले किया जाएगा, फिर इस्तीफे लिए जाएंगे, लेकिन इस वक्त नून लीग के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने इस्तीफे जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान और बहुत सी ऐसी जमातें जो ANP जो शामिल हैं इस इत्तेहाद में, वो डिसाइसिव फैसला कर चुकी हैं कि इस हुकूमत के को गिराना है, अवाम को बचाना है। और हमने देखा है कि अवाम की अक्सरियत इस वक्त हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के साथ मौजूद है सड़कों पर। अपोजिशन ने अगर जो है अपनी मुनाफिकाना रविश ना अपनाई और ईमानदारी का दामन थामे रखा, तो इस हुकूमत को गिराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी।